Today we will study multiplication of decimals by 10, 100 and 1000. ठीक है. So if a decimal number is multiplied by 10, then decimal shifted one digit to the right. For example, 3.66 is the number multiplied by 10. ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हम लोग 10 से करेंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेसिमल पॉइंट. ठीक है, तो जैसे 366 इंटू 10 कितना होगा, 3660. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डेसिमल प्लेस के बाद नहीं कितना जीरो है, 1. तो डेसिमल पोजीशन कितना शिफ्ट होगा, एक डिजिट, और किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड में. तो यहां सो इसका आंसर क्या होगा, 36.60, एक डिजिट राइट साइड में शिफ्ट होगा. सपोज दिस नंबर, द सेम नंबर को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 2. तो डेसिमल पोजीशन क्या होगा, 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट होगा. तो इसका आंसर क्या होगा, 3, 6, 6. ओके, सिमिलरली इसी नंबर को अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो कितना है, 3. तो डेसिमल पोजीशन क्या होगा, 3 डिजिट से शिफ्ट करेगा. नहीं तो ये क्या हो जाएगा, 3660. वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, 67.24 मल्टीप्लाइड बाई 10, 4.956 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड 2.3748 मल्टीप्लाइड बाई 1000. तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस पॉइंट हम लोग नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, और उसके बाद हम लोग डेसिमल पोजीशन शिफ्ट करेंगे. तो 67.24 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, डेसिमल पोजीशन किधर शिफ्ट होगा, राइट के तरफ, कितना डिजिट से, एक डिजिट से. तो ये हो जाएगा 67.24. ठीक है, उसी तरह 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल कितना, 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट होगा. तो इसका क्या होगा, 4956. ठीक है, उसी तरह 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल पोजीशन कितना डिजिट राइट में शिफ्ट करेगा, 3 डिजिट, यानी ये हो जाएगा 2374.8. 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक डिजिट शिफ्ट हुआ, नहीं 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 डिजिट शिफ्ट हुआ, और ये 1000 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 डिजिट शिफ्ट हुआ. ओके, सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय 10, 100 एंड 1000. ठीक है, नाउ वी विल सी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर विथ द होल नंबर.
ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, सपोज लेट अस टेक एग्जांपल 5.43 × 15, ओके, सो वी नो दिस इज अ डेसिमल नंबर एंड दिस इज होल नंबर. अगर डेसिमल नंबर और होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तब क्या करेंगे, वी इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेसिमल, पहले हम लोग सिंपल मल्टीप्लीकेशन जो करते हैं वैसे करेंगे, 5.43 × 15, ठीक है, इसका प्रोडक्ट आएगा 81 81 45, ठीक है, इसका प्रोडक्ट आएगा 81 45. अब हम लोग देखेंगे डेसिमल की बाद कितना डिजिट है, 1 2, ठीक है, तो इधर लेफ्ट से 1 2 यहां पे डेसिमल देंगे, ठीक है. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, सब 0.327 × 12. फर्स्ट व्हाट वी विल डू, इरेस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल 327 × 12, प्रोडक्ट विल बी 3924, ठीक है. सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग रफ में, 327 × 12, ठीक है, ये करके यहाँ रफ में दिखा सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 3924. अब देखेंगे डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, तो फिर हम लोग जो हमारा प्रोडक्ट आया उससे 1 2 3, तो 3.924, ठीक है. सिमिलरली अगर इफ डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ डेसिमल नंबर, उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जितने होंगे, जैसे मल्टीप्लाई 73.68 × 5.4, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल 73.68 × 54 करेंगे, प्रोडक्ट इसका आएगा 3937872, ठीक है, और डेसिमल कितना है डिजिट, 1 2 3, थ्री डिजिट्स है, तो लेफ्ट से जो प्रोडक्ट आया है उसके लेफ्ट से 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल देंगे, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो अ डेसिमल नंबर, दिस इज ऑल्सो अ डेसिमल नंबर. सो वेन एवर डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई अ डेसिमल नंबर, फर्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और जो प्रोडक्ट आएगा, और फिर हम लोग देखेंगे कि कितना इसमें कितना डिजिट है डेसिमल बाद, 2 1 2 और 3, तो 3 टोटल डिजिट, दोनों कितने हुए 3, तो लेफ्ट साइड से हम लोग 1 2 3 ऐसे करके हम लोग डेसिमल देंगे, ओके. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स, ओके, गुड डे.